दिल्ली पुलिस ने किया राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा का पासपोर्ट जब्त। मैच फिक्सिंग के मामले में पुलिस ने कल कुंद्रा से की थी 10 घंटे तक पूछताछ। मुख्यमंत्रियों की बैठक में एनसीटीसी पर नहीं बनी सहमति। सरकार ने कहा एनसीटीसी में देरी की चुकानी होगी कीमत। कई गैर कांग्रेसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसे बताया संघीय ढांचे के खिलाफ। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में मारे गए कांग्रेस के नेताओं को रायपुर के जिला कांग्रेस मुख्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराजगंज संसदीय उपचुनाव में अपनी हार स्वीकार की। कहा जनता के प्रति समर्थन है बरकरार। एनडीए के साथ गठबंधन में किसी भी बाधा से किया इनकार। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक यूपीए सरकार की प्राथमिकता, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसमें सहयोग नहीं कर रहे। इस विधेयक को पारित कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों से अपने ठोस सुझाव देने की अपील की। निलंबित आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा को इशरत जहां मुठभेड़ मामले में एक विशेष अदालत ने सोमवार तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा। वंजारा को सीबीआई ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था। रैनबैक्सी लैबोरेटरीज लिमिटेड का लाइसेंस रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। कंपनी पर कथित रूप से मिलावटी दवाओं के उत्पादन और बिक्री करने के आरोप में ये याचिका दर्ज की गई है। सोने के बढ़ते आयात पर रोक लगाने के लिए सरकार ने उठाए कदम। सोने का आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर किया 8%। शुल्क में यह बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू। रुपए में कमजोरी की वजह से शुरुआती कारोबार में बीएसई के सूचकांक में 100 अंकों की गिरावट देखी गई। एनएसई भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया 11 महीने के न्यूनतम स्तर तक पहुंचा। आज के कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले 57 के आसपास। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत सुजैन राइस अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की नई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगी। सुजैन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर टॉम डोलियन का स्थान लेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के उद्घाटन मैच में आज टीम इंडिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। चोट की वजह से दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन का खेलना तय नहीं। फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के बीच मुकाबला। महिला वर्ग के सेमीफाइनल में मारिया शोरापावा भिड़ेंगी विक्टोरिया अजारेंका से। साइना नेहवाल और अरुंधति पंताव ने थाईलैंड ओपन ग्रांड प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। साइना ने पहले दौर में चीनी ताइपे की शी हान हुंग को 21-11, 21-16 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उत्तर भारत में लौटा गर्म हवाओं का दौर। झुलसा देने वाली धूप से क्षेत्र के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर।